Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी एक्सेस है महाराज से बातचीत हो जाती है मुलाकात हो जाती है ना वो महाराज साहब से बढ़िया मुलाकात होती है कल ही मिले थे हम तो महाराज साहब से महाराज साहब को भी मोदी जी के मुद्दे से महाराज साहब के मुद्दे से इतना महाराज ने हमारे क्षेत्र में काम करा है किसी ने नहीं करा और महाराज जैसा ही नेता हमें जहाँ चाहिए जैसे महाराज साहब बीजेपी में आए और जो सम्मान निधि हमको सम्मान निधि मिलती है प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि तो उसमें मुझे सम्मान मिला और 12,000 रुपए मुझे मिलते हैं योजनाओं का लाभ जो है वो मिला तो इस समय हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना सीट से लोकसभा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री हैं और महाराज की भी उपाधि उनके पास में है उनके परिवार का गढ़ रहा है अजय रहा है अगर हम गुना सीट की अगर बात करें लेकिन 2019 के चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने ही उनकी सीट पर सेंध लगाई थी चूंकि इस बार बड़ा परिवर्तन हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी की ओर गुना सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है ये परिवर्तन देखने को मिला है और इस वक्त ये तमाम लोग यहाँ पर जो आम लोग हैं वो जुटे हुए हमारे साथ में उनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिरकार क्या समीकरण वो देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा सर सबसे पहले आपसे बात करते हैं भगवा रंग का कुर्ता आपने धारण किया है राम में कहा जा रहा है पूरा देश हो गया है लेकिन अगर गुना की बात करें तो क्या महाराज जीत रहे हैं महाराज सबके दिलों में मतलब विराजमान हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा कौन का प्रधानमंत्री जी का मोदी जी का उनकी योजनाएं और उनका जो काम करने का और जो महाराज साहब को दोबारा यहाँ टिकट दिया तो हम सब जनता और क्षेत्रवासी पहले तो हम धन्यवाद देते हैं पार्टी को और हमारे मोदी जी को अब रहा महाराज साहब के सब कार्य करने में रेलवे बोला है आपके पुणे नदी उसका पुल बहुत सालों का था बड़े महाराज के सपनों का साकार करना था तो आज वो पुल भी तैयार हो गया है जितनी भी ऊर्जा के टाइम पे बहुत ऊर्जा दूरदर्शन में इतना काम किया ITI आपके स्कूल आपके तो ये इतने कार्य किए हैं कि मैं गिना नहीं सकता एक्सेस है महाराज से बातचीत हो जाती है मुलाकात हो जाती है ना वो महाराज साहब से बढ़िया मुलाकात होती है कल ही मिले थे हम तो महाराज साहब से महाराज साहब बहुत मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं सर क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे खाली मोदी या महाराज साहब के चेहरे पर या फिर क्या मुद्दा है महाराज साहब को भी मोदी जी के मुद्दे से महाराज साहब के मुद्दे से इतना महाराज ने हमारे क्षेत्र में काम करा है किसी ने नहीं करा और महाराज जैसा ही नेता हमें जहाँ चाहिए बात बताना चाहूँ की संभव मैं 70 साल का तो उम्र है मेरी और 60 साल कांग्रेस में काम करते हो गई लेकिन पूरी साल हो गई तो मुझे आज तक मेरा सम्मान नहीं हुआ और जैसे महाराज साहब बीजेपी में आए और जो सम्मान निधि हमको सम्मान निधि मिलती है प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि तो उसमें मुझे सम्मान मिला और 12,000 रुपए मुझे मिलते हैं योजनाओं का लाभ जो है वो मिला आप लोग अभी थोड़ा आगे आइएगा बताइएगा क्या लग रहा है योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुद्दे क्या है किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे नहीं मैडम जी हर एक योजना का लाभ मिल रहा है टाइम पे मिलता है कुछ का मिलता है कुछ नहीं मिल पाता है कभी ये बात है नहीं मिल पाता है को लेकर क्या कहेंगे आप सब प्रशासन सरकार है भी कचू खा जाते हैं बीच में कचू है जो पंचायत में वो मिल जाते कुछ फैक्टर है बीच में कुछ फैक्टर है जैसे लग रहा है कुछ बीच में है क्या खाने वाने वाले मैडम ऐसा कोई बात नहीं है अपन किसी के पास जाएंगे नहीं तो अपने को कैसे मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल ना रही हो आप गेहूं ले लो कुटी ले लो प्रधानमंत्री जोन सी भी चीज आयुष्मान कार्ड ले लो मैडम अपन गिनाते गिनाते ही बहुत दिन हो जाएंगे अपन इतनी स्कीम चल रही है और गरीब परिवार चल मैडम एक घर में देखो ऐसे एक बाप दो बेटे दो बहू एक मम्मी तो छह ने तीन ने तो लाडली बहना की 12,500 मिल रहा है और तीन ने भी नहीं 2,000 मिल रहा है तो मैडम करीबन 8,000-9,000 रुपये महीना एक घर में रुपया आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है लाभ मिल रहा है आप लोग भी जरा आगे आइए बताइए कि क्या 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 नहीं आप बताइएगा क्या लग रहा है क्या
किस चीज का, मैं किस लिए वोट करना चाहता हूँ ये बताऊँ। मैं लाभ तो हर एक को मिल ही रहा है मैडम, बाकी मेरा यूथ का मुद्दा जो है राम मंदिर, धारा 370 और मोदी जी जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं, तो यूथ पूरा मोदी जी के साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 370 का एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या काम है, 370 का काम कश्मीर में है, वहाँ बात बता देता हूँ। 370 देश का मुद्दा है, ना कि किसी प्रदेश का। प्रदेश तो सभी देश में आते हैं ना, सभी मेन देश का मुद्दा है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो क्या मैं देश को नहीं देखूंगा? देश पहले है मेरे लिए, तो मैं तो देश के लिए 370 देखूंगा ना। प्रदेश नहीं है मैडम, प्रदेश तो देश में ही आते हैं ना, मेन देश है हमारे लिए, तो देश को बोलेंगे हम। तो ये यूथ का मुद्दा है। आप लोग भाई साहब बताइएगा, क्या लग रहा है कि महाराज जी मतलब इस बार कितने मतों से जीतेंगे, क्या लग रहा है? महाराज कम से कम 3-4 लाख मतों से जीतेंगे मैम, क्योंकि जो काम किए भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं किए, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में काम किए, इतने रिकॉर्ड तोड़ काम किए, गरीब से लेके किसान मजदूर सबको बिल्कुल जो भी लाभ है उनको मिले हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइएगा क्या लग रहा है, आपके महाराज यहाँ पहुँच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, आप लोग के बीच में आ रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? महाराज जीतेंगे, काहे जीतेंगे? क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ गरीबों को कुटी रहे, प्रधानमंत्री आवास लाडली बहना वो बहुत सारी योजना चलाई है, इसलिए जीतेंगे। क्या मुद्दा है भैया आपका, क्या क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? वोट करके सोच के जाए, भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है जो कांग्रेस पार्टी थी पहले, उसने कुछ भी नहीं दिया। आजकल मेरे घर में ही बता रहा हूँ 3 लाख रुपए साल के भारतीय जनता पार्टी दे रही है, किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना योजना है, ये मुझे सब कुछ मिला है। और इतने में ही मेरे को और मेरे भाई को कुटी भी आई है। हाँ, आप लाभार्थी भी है। हाँ, क्या लग रहा है सर, क्या महाराज जीतेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो दाव खेला है इस बार फिर से एक यादव कैंडिडेट को उतारा है जो कि पहले बीजेपी में ही थे, क्या लग रहा है? आपके महाराज दोबारा जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों जीतेंगे, क्योंकि महाराज का जो काम करने का तरीका है ना, वो कोई और नेताओं में नहीं है। युवा है, अच्छे जोश है उनमें, जनता के बीच में आते हैं, जनता की योजनाओं को गनाते हैं। और मेरे मामा के लड़के को उनने फ्री में इलाज कराया दिल्ली में, आज वो बहुत अच्छा है और महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। मैं बलराम परियार बदरवास से, मेरे मामा जी के लड़के को मैं दिल्ली ले गया था तो महाराज ने सब काम छोड़ के उसको एडमिट करवाया था और आज वो अच्छा है। आम लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, आप लोग जरा बताइएगा क्या माहौल लग रहा है भैया, कौन जीते? अब की बार महाराज जीतना चाहिए। और विकास की बात करें तो विकास तो उन्होंने ऐसे किए हैं जो सभी यहाँ के स्थानीय सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया है विकास के दौर में। चलिए, तो विकास की बात करती हुई यहाँ की जनता दिखाई दे रही है, जनता कह रही है कि महाराज जो है वो लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ में उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार सीधे तौर पर जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की होने वाली है, ये दावा किया जा रहा है यहाँ की जनता की तरफ से, और कई लाख मतों का अंतर भी देखने को मिलेगा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।